का कोई भी विश हो, आप भगवान को आकर इस जगह पर आकर आप मांग सकते हो और शायद आपका जो विश है शायद भगवान आपका विश पूरा कर दे। हेलो दुनिया वालों, आई होप आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एक नई सुबह और एक नया दिन, आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन, क्या कहते हो। फिलहाल जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज का नाम है धवलेश्वर हैंगिंग ब्रिज। इस जगह पे एक आइलैंड है और उस आइलैंड के अंदर एक टेम्पल है और उस टेम्पल का नाम है धवलेश्वर टेम्पल, राइट। और ये जगह कटक से कुछ 20 किलोमीटर के बाद ये जगह आता है और आपको दिखाई दे रहा है ये जो हैंगिंग ब्रिज है, इस ब्रिज को पार करके आपको जो आइलैंड दिखाई दे रहा है पर जाना है। चलते हैं फिर, देर किस बात की है ना, बी माई गेस्ट। धवलेश्वर, धवलेश्वर का मीनिंग होता है, धवल का मतलब वाइट होता है और ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है, आपको पता ही होगा ईश्वर का मतलब होता है भगवान, राइट। और ये जो ब्रिज है फिलहाल यहाँ से कुछ 100 मीटर के आसपास है डिस्टेंस, पीछे जाएंगे और जाते जाते आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो नीचे आपको जो नदी दिखाई दे रहा है ये महानदी है और ये ब्रिज एवोव द महानदी है। महानदी के ऊपर ये ब्रिज बनवाया गया है और ये जो है वो धवलेश्वर आइलैंड है, राइट। और आइलैंड के ऊपर ये टेम्पल है, फिलहाल देख सकते हो सुबह का 7 बजे है और लोग जो है अभी आ रहे हैं क्योंकि शिव मंदिर है बेसिकली और यहाँ पे जो है रिचुअल सारे जो होता है ना सुबह को होता है। बेसिकली इस जगह पे अगर आपको आना, आपको पता ही है शिव जी का जो मतलब रिचुअल होता है ना, वो सबसे बड़ा जो इंडिया में होता है उस टाइम जब शिवरात्रि होता है, राइट। तो उस टाइम पे आप अगर इस जगह पे आओगे ना तो लाखों के तादाद में यहाँ पे लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल पानी तो उतना ज़्यादा साफ़ है ही नहीं क्योंकि फिलहाल रेनी सीजन चल रहा है, अभी अक्टूबर का महीना है और रेनी सीजन चल रहा है अभी भी उड़ीसा में, तो इसकी वजह से आप इस टाइम पर आओगे तो इसका जो पानी है उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होगा क्योंकि ये महानदी का पानी है, राइट। फिलहाल उतना साफ़ नहीं है पर आप जब नवंबर दिसंबर में आप आओगे ना उस टाइम पर यहाँ का पानी भी बहुत साफ़ होता है और नीचे बोटिंग होता है, आप आकर बोटिंग भी कर सकते हो, लाइक इस पार से उस पार बोटिंग करके आप जा सकते हो अगर आप ब्रिज से ना जाना चाहो तो। नमस्कार, भल अच्छा समस्ते, नमस्कार। चारों ओर इसका महानदी घिरा हुआ है, बेसिकली एक आइलैंड है, लाइक कह सकते हो कि एक एग्जॉटिक आइलैंड है जिसके ऊपर एक टेंपल है और इस टेंपल में जाने के लिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है हैंगिंग ब्रिज, राइट, आपको इसके थ्रू से मंदिर जाना पड़ता है। इसका चारों तरफ जो है महानदी घिरा हुआ है। इस ब्रिज का एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको मैं,
जब आप इसके ऊपर से चल के जाओगे ना, तो लिटरली जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जब चल के जाते हैं तो ये थोड़ा शेक होता है। सुनो, बात ऐसा है, इंसानियत को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो है दुआ और दवा की, राइट। आप दुआ हमें याद रखिए, दवा का क्या है, दवा तो दुकान पे भी मिल जाता है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहे सेफ रहे, खुश रहें, उससे भी ज़रूरी हंसते रहें, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए, है ना। जय जगन्नाथ, जय हिंद।